गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू हाई टी। बचपन होता है बिल्कुल इसी तरह से, एक भीगी हुई कागज की कश्ती जिसमें कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो सिर्फ खुशियां। इन्हीं खुशियों को आज मैं आपके सामने लेके आया हूं हाई टी में। तो आज हम बनाएंगे सोया टोस्ट। ये सोया टोस्ट सोया हुआ है इसलिए इसका नाम थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि इसे जगाना पड़ेगा, तो इसे हम बोलेंगे जागो सोया टोस्ट। सोयाबीन को हम एक फूड प्रोसेसर में डालेंगे, इसके साथ ही मैं डालूंगा चॉप अनियन, चॉप हरी मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी। ये रेसिपी हम बच्चों के लिए बना रहे हैं लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट जो है इसमें अच्छा आता है। अगर आपके बच्चे मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह सिर्फ आप नमक डालें और जो स्पाइसेस हैं आप वो डालें। नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा आमचूर पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। सोया टोस्ट का मिक्सचर जो है ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है, कोर्स है, बिल्कुल पेस्टी नहीं है, तो जब ये हम इसे लगाएंगे तो ये थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देगा। इसमें जाएगा पावर का सबसे बढ़िया सोर्स ओट्स। इस मिक्सचर को साथ में बाइंड करने के लिए डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ये ब्रेड की जो साइड्स होती हैं ये बहुत सारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे बड़ों को भी अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। अब इस मिक्सचर को हम हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये सब एक साथ मिल जाए और इसके बाद इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करके चारों तरफ इक्वल तरह से लगा के ताकि ये बिल्कुल भी ब्रेड एक्सपोज ना रह जाए। ये सोया टोस्ट जो है ये अब हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमें बनाना है इसके लिए बैटर। बैटर बनेगा बहुत सिंपली, थोड़ा सा मैदा लेंगे, मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ऑब्वियस सी बात है नमक के बिना तो काम होगा नहीं। नमक के साथ साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये इसको थोड़ा फ्लेवर भी देगा और कलर भी। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा और अमचूर पाउडर, इसमें बाहर भी हल्की सी खटास हो तो अच्छा लगेगा। ये सेम मसाले में रिपीट कर रहा हूँ। अभी डाला मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और अब डालेंगे इसमें पानी। अब इस टोस्ट को हमें बैटर में डिप करके डीप फ्राई करना है। अब मैं इसको इस तरह से काट लूंगा। अब इस बैटर में इसको अच्छी तरह से डिप करके हमें करना है इसे डीप फ्राई। तो बच्चों के लिए एक हेल्दी डिश की बात हो रही है, थोड़ा सा डीप फ्राइड जरूर है क्योंकि बच्चे डीप फ्राइड पसंद करते हैं। साथ ही हम देंगे एक बढ़िया सा मिंटी फ्रूटी सैलड। अब फ्रूटी सैलड बनाने के लिए आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं। आज मैं यूज कर रहा हूं थोड़ा सा ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल को मैं छोटे डाइसेस में काटूंगा, साथ ही मैं मिलाऊंगा रेड एप्पल्स। वैसे कमाल की बात है कि बच्चों को फ्रूट्स भी इतने ज्यादा पसंद नहीं होते, बच्चे जो होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं। ये रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल को मैंने काट लिया है, साथ ही मैं इसमें डालूंगा फ्रेश ऑरेंज। मैं निकाल रहा हूं इस ऑरेंज के वेजेस, ये एक नाइफ स्ट्रेट एक टेढ़ा, ये इस मोशन में आप काटेंगे तो ये वेजेस फटाफट निकल आएंगे। अब ये सारे फ्रूट्स को मैं डालूंगा एक बोल में और अब करूंगा मैं थोड़ा सा कमाल। ये जो बचा हुआ ऑरेंज है आप सोच रहे होंगे इसका क्या होगा, इसका ये होगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, फ्रेश नींबू का जूस। ऑरेंज जूस मीठा है, नींबू जूस खट्टा है, खट्टा मीठा टेस्ट बच्चों को पसंद आता है। और अगर उसमें ये शहद की गुडनेस और मिठास दोनों मिल जाए तो बच्चे तो क्या बड़े भी इंजॉय करेंगे।
अब फाइनली इस सैलेड में जाएगी थोड़ी सी ताजगी फ्रेश पुदीने की, और चॉप करने के बाद इस सैलेड में मिला देंगे। चलिए क्रिस्पी सोयाबीन टोस्ट जो है ये तैयार हो चुके हैं। इनका सारा तेल निचोड़ के आप इन्हें एक ग्रीस प्रूफ पेपर में निकाल लें। इसके साथ हम सर्व करेंगे ये मिंटी फ्रूट सैलेड। इसको गार्निश करेंगे थोड़े फ्रेश पुदीने के पत्तों के साथ। वेल, आई एम श्योर कि ये रेसिपी देखते आप सोए नहीं होंगे, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग सोया रेसिपी जो है ये अब आपकी है। आप खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और सारी टेंशन से मुक्त होकर सिर्फ सो जाइए। Food, food, it's sizzling.